हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत बड़े रूमर की। रूमर्स की माने तो शाहरुख खान के आने वाली दोनों फिल्में पोस्टपोन होंगी। जी हाँ, जवान और डंकी की नई रिलीज डेट कुछ ही दिनों में अनाउंस होगी। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन रूमर काफी ज्यादा आ रहा है कि जवान के पोस्ट प्रोडक्शन में काफी टाइम लगेगा, इसलिए अब ये फिल्म 2 जून को नहीं रिलीज होगी, बल्कि अब ये फिल्म दिसंबर के महीने में रिलीज होगी। तो जवान की वजह से डंकी फिल्म की रिलीज डेट चेंज होगी और अब ये फिल्म 2024 में रिलीज होगी। देखो, रिलीज डेट क्या होगी वो तो आने वाले टाइम पता चलेगा, लेकिन मैं ये बात पहले से कहते आ रहा हूँ कि भले ही तीनों फिल्मों की रिलीज डेट 2023 है, लेकिन इस साल शाहरुख खान की 2 ही फिल्म रिलीज होगी। पठान रिलीज हो चुकी है और अब जवान 2 जून या फिर किसी और डेट में रिलीज होगी। रही बात डंकी की, तो बहुत कम चांस है कि ये फिल्म दिसंबर के महीने में रिलीज हो। अभी भले ही डंकी की रिलीज डेट चेंज नहीं हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म 2024 में ही रिलीज होगी। तो आपको क्या लगता है, डंकी दिसंबर में रिलीज होगी या फिर 2024 में? हेरा फेरी। कल 14 फरवरी को हेरा फेरी की टीम ने प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से मुलाकात की है। यहां पर अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी और परेश रावल भी मौजूद थे। काफी सालों के बाद तीनों एक्टर को एक साथ देखा गया है। लगता है कि साजिद नाडियावाला ने अक्षय कुमार को हेरा फेरी 3 के लिए मना लिया है और अब अक्षय कुमार ही हेरा फेरी 3 में नजर आएंगे। डायरेक्टर का भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन 2 बड़े डायरेक्टर से बात चल रही है और आने वाले 10 से 15 दिनों में कन्फर्म हो जाएगा कि हेरा फेरी 3 को कौन डायरेक्ट करेगा। उम्मीद है कि इसी साल फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। जो भी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हेरा फेरी 3 से जुड़ी कोई खबर आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। गदर 2 में से सनी पाजी और अमीषा पटेल का एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। यहाँ पर बैकग्राउंड में ऊर्जा काले कावा सॉन्ग के साथ आप तारा सिंह और सकीना को देख सकते हैं। कुछ भी कहो, गदर के जो गाने हैं वो आज भी सुपरहिट हैं। आज भी ये गाना दिल को छू लेता है। देखना होगा कि गदर 2 के गाने कैसे होते हैं। गदर 2 इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होगी। राणा दग्गुबाती और वेंकटेश के अपकमिंग एक्शन ड्रामा सीरीज राणा नायडू का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। राणा नायडू के इस ट्रेलर में एक्शन से भरपूर एक इंटरेस्टिंग कहानी नजर आ रही है। क्या है नागा नायडू की कहानी, जिसके जेल से आने से राणा की जिंदगी में तूफान आ जाता है। ट्रेलर अच्छा है, जिसमें वेंकटेश का करेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं सीरीज की कहानी कैसी होती है। ये एक्शन ड्रामा सीरीज 10 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तेरे पैदा होने के बाद 5 साल तेरी गांड साफ करा मैं। मेरे को मालूम उधर कितना गुर्दा है और कितना गू है। G5 पर एक सीरीज आने वाली है जिसका नाम होगा ताज डिवाइड बाय ब्लड। इस सीरीज में बॉलीवुड के कुछ जाने माने एक्टर नजर आएंगे, नसीरुद्दीन शाह, आदित्य राव हैदरी और धर्मेंद्र। धर्मेंद्र इस सीरीज में शेख सलीम चिश्ती का रोल प्ले करेंगे और यहां पर आप उनका फर्स्ट लुक देख सकते हैं। सीरीज की शूटिंग चल रही है और ये सीरीज इसी साल ही देखने को मिलेगी। ध्रुव सरजा के अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म मार्टिन का टीजर 23 फरवरी को रिलीज होगा। फिल्म की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे कन्नड़ा के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। अगर आप भी स्पाइडरमैन 4 का इंतजार कर रहे हैं, तो ये जानकर आपको काफी ज्यादा खुशी होगी कि केविन फेई ने कहा है कि स्पाइडरमैन 4 की कहानी लिखी जा रही है और इस फोर्थ फिल्म में भी टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, कहानी लिखी जा रही है, यानी कि 2024 एंड तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। देखते हैं फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। काफी टाइम पहले हमने आपको अपडेट किया था कि कुणाल खेमू एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम मड़गांव एक्सप्रेस होगा। तो कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में प्रतीक गांधी, देवेंद्र शर्मा के साथ अब नूरा फतेही को साइन किया गया है। फिल्म की शूटिंग चल रही है और ये फिल्म इसी साल ही रिलीज होगी। जोकर 2 में से लेडी गागा और जेकिन फिनिक्स का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप हार्ली क्वीन और जोकर को एक साथ देख सकते हैं। फिल्म की शूटिंग चल रही है और ये फिल्म अक्टूबर 2024 में रिलीज होगी। I have returned and I've made some new friends. वापस आ गया। 2021 में रिलीज हुई फैंटेसी मिस्ट्री ड्रामा सीरीज शैडो एंड बोन सीजन 2 का एक छोटा सा ग्लिम्स रिलीज किया गया है और साथ ही सीजन 2 की रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। शैडो एंड बोन सीजन 2 16 मार्च को रिलीज होगी। Amazon Prime की फैंटेसी क्राइम ड्रामा सीरीज कार्निवल रो सीजन 2 की रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। कार्निवल रो सीजन 2 17 फरवरी को रिलीज होगा।
जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था कि बालाकृष्णा की एक्शन ड्रामा फिल्म वीरासिम्हा रेड्डी 23 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर तेलुगु के साथ साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। जी हाँ, तो कौन कौन एक्साइटेड है बालाकृष्णा की फिल्म को हिंदी डब में देखने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।